तीसरा क्वेश्चन देखिए, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण ए सी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये समांतर चतुर्भुज दे रखी है आपकी और इसका ये विकर्ण ए सी जो है इस कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये कोण एक है, ये दो है, यानी ये दोनों कोण के आपके बराबर हैं, समद्विभाजित करता है। ठीक है, चित्र आपको दे रखा है, दर्शाइए कि क्या बताना है। पहला, यह कोण सी को भी समद्विभाजित करता है, यानी कि ये दोनों कोण भी बराबर हैं, ये हमने सिद्ध करना है। ये दोनों कोण यानी कि मैं इनके नाम रख देता हूँ 3 और 4, ये बराबर सिद्ध करने हैं। दूसरा, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, और क्या सिद्ध करके बताना है कि ए बी सी डी जो है ये क्या है, एक समचतुर्भुज, ये बात हमने इसके अंदर बतानी है। आसान सा, बिल्कुल देखिए सॉल्यूशन, देखिए इसका। पहला, कोण एक बराबर कोण दो, कोण एक बराबर कोण दो, क्यों दिया है, दे रखा है तो कि ए सी कोण एक को समद्विभाजित करता है, दे रखा है। इसको समीकरण एक लिख देते हैं, जरूरत पड़ेगी हमें इसकी। अच्छा, दूसरा फिर क्या आपका, कोण एक बराबर तीन के भी, एक और तीन बराबर है, देखिए कोण एक बराबर कोण तीन के, एक और तीन आपके बराबर है, क्यों, क्योंकि क्या दे रखी है आपकी, समांतर चतुर्भुज दे रखी है, समांतर चतुर्भुज, ये तिर्यक रेखा है, तो एक और तीन आपके क्या है, एकांतर कोण है। समांतर चतुर्भुज के अंदर आपके जब रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, नंबर दो कह देंगे और कारण क्या लिखेंगे, एकांतर कोण, एक और तीन बराबर है। ठीक भाई, ऐसे ही कोण दो और चार भी बराबर है। अब क्या, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और दो और चार एकांतर कोण है, दो बराबर किसके कोण, चार के, नंबर तीन कह दिया और ये भी आपके क्या है, एकांतर कोण है। अब देखिए, इन एक दो और तीन से क्या होता है, समीकरण एक दो व तीन से, समीकरण एक दो तथा तीन से, इनको अगर आप ध्यान से देखो, देखिए यहां क्या कर रखा है, एक और दो बराबर, इधर ये दोनों एक और दो बराबर ये दे रखे हैं, तो एक और दो अगर यहां बराबर हैं, ये इधर दे दिए एक और दो, तो इसका मतलब तीन और चार भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एक तीन के बराबर, दो चार के बराबर, एक और दो बराबर, इसका मतलब तीन और चार भी बराबर हो जाएंगे। तो एक दो तीन से आपका क्या बन जाएगा, कोण तीन बराबर किसके हो जाएगा भाई, चार के। और अगर कोण तीन और चार बराबर हो गए तो इसका मतलब ए सी कोण सी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, तो क्या, अतः ए सी कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। पहला भाग तो हो गया यहाँ पे आपका, पहला भाग हो गया ही आपका फर्स्ट। दूसरे भाग में देखिए, दूसरे भाग में, दूसरे में क्या देखिए, समीकरण दो और चार को देखिए आप, दो और चार, चार में इसको लिख देता हूं, समीकरण दो व चार से, समीकरण दो व चार से, दो और चार की बात करें, यहां देखिए क्या है, एक बराबर किसके, तीन के, और तीन बराबर किसके है, चार के, एक बराबर तीन के, तीन बराबर चार के, तो इसका मतलब क्या होगा, एक और चार बराबर होगी, देखिए एक बराबर तीन, तीन बराबर चार, इसका मतलब कोण एक बराबर किसके, कोण चार के, इसे तो यह होना कोण एक बराबर किसके हो जाएगा आपका, कोण चार के, दो और चार समीकरण का प्रयोग करके किया हमने ऐसा। अब त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में कोण एक बराबर चार, कोण एक बराबर चार, क्यों प्रमाणित, अब ये भी हमने बराबर सिद्ध किया है। अब एक के सामने कौन सी भुजा है, सी डी, चार के सामने भुजा कौन सी है, ए डी, इसका मतलब क्या होगा, ए डी बराबर डी सी या सी डी, ए डी बराबर, ए डी बराबर डी सी, त्रिभुज के समान कोणों की रीजन लिख देता हूं यहां पे, कारण
त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं। लेकिन ये तो क्या हुआ, AD और DC जो है, ABCD क्या दे रखी थी आपकी, समांतर चतुर्भुज दे रखी है। और अगर किसी समांतर चतुर्भुज में आसन भुजाएं, जैसे ये हो रही है आपकी आसन भुजाएं, अगर किसी समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं समान हो जाए ना, तो वो चतुर्भुज क्या होती है आपकी, सम चतुर्भुज होती है। वैसे भी देखा तो क्यों, क्योंकि AD किसके बराबर, BC के, DC किसके बराबर, AB के। तो इसका हम चारों भुजाएं समान होगी और चारों भुजाएं समान होगी तो क्या होगी आपकी, सम चतुर्भुज होगी। तो रीजन लिख देता इसके पास हो गए, क्योंकि AD और DC के आपके आसन भुजाएं हैं। तो इसका रीजन यहां लिखता, देखिए, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाएं, एडजेसेंट साइड, आसन भुजाएं समान हो समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज होता है, इसलिए ABCD एक समचतुर्भुज है। अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। और इस ढंग से आपका ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट है।